नमस्कार, स्वागत है आपका एना न्यूज पर। आज का दिन भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के लिए बेहद खास था। इसरो ने आज सुबह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-03 लॉन्च किया, लेकिन तकनीकी खामी की वजह से यह सफल नहीं हो सका। इसरो का कहना है कि रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन में खराबी आने से यह मिशन आंशिक रूप से असफल रहा। क्या है क्रायोजेनिक इंजन और इस मिशन के फेल होने में क्या है मायने, आपको बताएं। उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए एना न्यूज़ को और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि हर खबर आपको मिले सबसे पहले। क्रायोजेनिक इंजन एक बेहद जटिल तकनीक पर आधारित है। आमतौर पर गैस के फॉर्म में पाए जाने वाले तत्वों को लिक्विड स्टेट में करके उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्रायोजेनिक तकनीक GSLV Mark 3 जैसे बड़े रॉकेट्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण इंजन है। अब आपको बताते हैं कि आखिर यह काम कैसे करता है। किसी भी रॉकेट इंजन में थ्रस्ट पैदा करने के लिए हाइड्रोजन को सबसे अच्छा फ्यूल माना जाता है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर में हाइड्रोजन गैसीय स्टेट में पाया जाता है, जिसकी वजह से इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए इसे लिक्विड स्टेट में लाकर इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन को लिक्विड स्टेट में लाने के लिए इंजन का तापमान -250 डिग्री सेल्सियस तक करने की ज़रूरत होती है। क्रायोजेनिक इंजन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल भी लिक्विड स्टेट में ही किया जाता है, जिसके लिए उसे -90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। भारत 1990 से ही इस तकनीकों को हासिल करने में लगा हुआ था। पहले अमेरिका से प्राप्त करने की कोशिश की गई, जिसको अमेरिका ने इनकार से झटका लगा। इसके बाद भारत ने क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक रूस से मांगी। हालांकि अमरीकी दबाव में भारत खुद पीछे हट गया। इसके बाद वर्ष 2014 में भारत को सफलता मिली और उसने खुद का क्रायोजेनिक इंजन बना लिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर यह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-03 क्यों इतना महत्वपूर्ण है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-03 की सफलता भारत के लिए बेहद ज़रूरी है। इस सैटेलाइट की खासियत यह है कि यह पूरे देश का रियल टाइम हाई रिजोल्यूशन इमेज भेज सकता है। इससे भारत को रक्षा, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और जियोलोकेटिंग करने में काफ़ी सहायता होगी। इसकी आंशिक असफलता भी यह सब बातें मुमकिन नहीं कर पाए। इसकी असफलता से इसरो को भी झटका लगा है। अभी तक इसरो दूसरे देशों के छोटे छोटे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा करता था। इस भारी भरकम सैटेलाइट के सफल परिश्रम से उसे स्पेस मार्केट में और धांक जमाने की मदद मिलती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारियों से भरी वीडियो और क्या है इसरो से आपकी उम्मीद है, कमेंट कीजिए अपनी राय। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।